उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर से रिलेटेड सभी कंटेंट के लिए हमारे चैनल मैथस्थान ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, देखिए हम ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिक्स का जो सिलेबस है, ये आप देख सकते हैं कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है, तो आपके एंट्रेंस टेस्ट में चार टॉपिक गिवेन है, ठीक है। तो ये जो चार टॉपिक गिवेन है, उसको हम कैसे ओवरव्यू करेंगे, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आपका इंटरफेरेंस है, उसके बाद आपका डाइफ्रेक्शन है, ठीक है। डाइफ्रेक्शन के बाद आपका पोलराइजेशन है, और उसके बाद एसोसिएटेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर क्या है, जैसे हम इंटरफेरेंस की अगर बात करें, तो देखो डायरेक्ट आपके सिलेबस में इंटरफेरेंस गिवन है, ठीक है। बट इसके पहले क्या इंटरफेरेंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, या कुछ ऐसा बेसिक टर्म है जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात का हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि हम इंटरफेरेंस हमने पढ़ लिया, ठीक है, और जब हम एग्जाम में गए तो हमें ऑप्टिक्स का बेसिक पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आउट ऑफ द वे चला जाएगा। फिर आपको लगेगा कि सर पढ़ाए तो लेकिन हमें काम नहीं आया वो चीज़। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्या सच में हमें बेसिक की इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, इसके लिए हम एक क्वेश्चन का हेल्प लेंगे, ठीक है। तो इसमें से देखिए, क्वेश्चन आपका ये जो है, ये क्वेश्चन है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 2/3, मतलब कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है, ये गिवन है आपका कितना, 2/3 है, ठीक है। उसके बाद और क्या बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड दिस इज 12/5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और ये गिवन है आपका 12/5, ठीक है। तो बोल रहा है कि देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड विल बी। अब देखो ये यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात किया गया है, ठीक है। तो जब आप इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, तो इंटरफेरेंस में डायरेक्ट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके बहुत पहले का चीज है, ठीक है। अगर हम प्रीवियस सिलेबस देखते हैं, तो प्रीवियस सिलेबस में जो इंटरफेरेंस है वो काफी पहले का चीज है, सॉरी इंटरफेरेंस बहुत बाद का चीज है, ठीक है ना। तो हमें यहां पर, हम ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम बस आपको ये बता रहे हैं कि जो अपवर्तनांक है, ठीक है ना, जैसे वायु का अपवर्तनांक है, कांच के सापेक्ष वायु का है, उसके बाद वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक है। तो ये जो अपवर्तनांक वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या होता है, हमें इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें बेसिक टर्म हमें पता होना चाहिए। तो हम एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, और आप ऐसा मत समझना कि मैं आपको बहुत लेंदी करूंगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स का, ठीक है। ऑप्टिक्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रकाशिकी, ठीक है। ऑप्टिक्स को हिंदी में बोला जाता है प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, ठीक है। थोड़ा मेरा हिंदी का थोड़ा सा देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्टिक्स को प्रकाशिकी बोलते हैं। अब ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है। तो सिंपली बोलेंगे कि भौतिक शास्त्र का वह हिस्सा या वह शाखा है ना, मतलब कि ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी कि भौतिकी शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम लाइट से रिलेटेड फेनोमेनन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो लाइट है उससे रिलेटेड दुर्घटनाओं को हम पढ़ते हैं, दुर्घटनाओं कह सकते हो या फेनोमेनन घटना कह सकते हो, ठीक है ना। तो भौतिक शास्त्र की वह शाखा, ठीक है ना, हम यहां पर लिखेंगे भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश की घटनाओं को पढ़ते हैं, प्रकाश की घटनाओं को अध्ययन करते हैं, यानी कि स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे
भौतिकी कहते हैं, उसे सॉरी उसे ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है ना। मैं इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूँ, हिंदी तो यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ प्रकाशिकी। उसे ऑप्टिक्स कहते हैं, उसे ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। अब जो ऑप्टिक्स का सिचुएशन है, ठीक है, उसको हम कैसे आगे करेंगे ये देखना आपका। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो ऑप्टिक्स है उसका हमें बेसिक कैसे कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको सबसे पहला एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, एक क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है, ठीक है। तो प्रकाश के ऊपर एक क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज लाइट। लाइट को हिंदी में प्रकाश बोलते हैं, ठीक है, लाइट को हिंदी में प्रकाश बोलते हैं। तो लाइट क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इसका सिंपली बताएंगे क्या कि इट इज एन ई एम वेव्स, ठीक है ना। ई एम वेव्स को हिंदी में बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है ना। वेव्स का मतलब होता है तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब विद्युत चुंबकीय। तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। ये सबसे पहला एकदम पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। आप ऐसा मान के चलो कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन ही है आपका, ठीक है ना। दूसरा जो क्वेश्चन अराइज होगा कि जैसे लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होगा कि क्या लाइट फ्री स्पेस में यानी कि वैक्यूम में चल सकता है क्या। तो आंसर होगा कि यस। तो दूसरा जो पॉइंट लिखेंगे कि लाइट कैन ट्रेवल इनटू वैक्यूम, मतलब लाइट को चलने के लिए हमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। ट्रेवल का मतलब होता है चलना, वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, इसको हम हिंदी में निर्वात बोलते हैं वैक्यूम को, ठीक है ना। तो यानी कि जो लाइट है वो निर्वात में भी चल सकती है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, अगर लाइट का, कई बार ऐसा होता है लाइट का साउंड वेव के साथ कंपैरिजन करके पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव एंड साउंड वेव, कि जो प्रकाश तरंगे हैं और जो ध्वनि तरंगे हैं दोनों के बीच क्या अंतर है, ये भी पूछता है कई बार, ठीक है। ये सब डायरेक्ट मतलब इसी लेवल का कंपटीशन जो आप तैयारी कर रहे हैं उसी में पूछता है ये सब। तो इसका आंसर ये होगा कि जो प्रकाश तरंगे हैं वो मीडियम के बिना नहीं चल सकती है ना। तो हम लिखेंगे यहां पर साउंड कांट ट्रेवल विदाउट मीडियम, यानी कि साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है ना, मतलब मीडियम के बिना वो नहीं चल सकता, विदाउट मतलब उसके बिना, है ना। साउंड कैन नॉट ट्रेवल विदाउट मीडियम, और चौथे नंबर पे होता है, ठीक है ना। आप इसमें चाहो देखो, इन दोनों को मिलाकर आप एक पॉइंट भी समझ सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि जो प्रकाश तरंगे हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है और जो ध्वनि तरंगे हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। ध्वनि तरंगे को चलने के लिए हमें ये चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, मीडियम चाहिए। अब यहां पर एक नया टर्म आ जाएगा कि मीडियम क्या होता है। यहां पर एक नया अंडरस्टैंडिंग हमें होना चाहिए कि व्हाट इज मीडियम। तो इस पे भी एक क्वेश्चन पूछता है, अलग अलग प्रकार का मीडियम होता है। जैसे मीडियम जनरली क्या होता है, अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम में एयर हो सकता है यानी कि हवा, वाटर हो सकता है यानी कि पानी, ग्लास हो सकता है यानी कि कांच। तो बेसिकली जो लाइट होती है ना, जो ऑप्टिक्स होती है, उसमें हम तीन प्रकार का मीडियम का स्टडी करते हैं, ठीक है। एयर मीडियम लेते हैं, वाटर लेते हैं और ग्लास लेते हैं। अब जैसे आप एक क्वेश्चन ऐसा एक बार पूछा गया, ठीक है ना, कि कोई पर्सन जो है, ऐसा क्वेश्चन आपको देगा कि कोई पर्सन जो है, मान लेते हैं कि एक पर्सन है, अ पर्सन, एक पर्सन जो है वो मून के ऊपर गया है, ठीक है। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है तो इसमें आपको ऑप्टिक्स से रिलेटेड, अभी देखिए चंद्रयान को भेजा गया, तो हम जानते हैं कि जो मून है उसके सरफेस पे क्या है,
वैक्यूम है, वैक्यूम है मतलब वहां पर कोई भी मीडियम नहीं अवेलेबल है। तो ये आपको पूछा गया कि एक पर्सन जो है इसके ऊपर, एक पर्सन गया है मून के सरफेस पे, तो उस पर्सन को मतलब उस पर्सन को कोई दूसरा पर्सन आवाज दे रहा है, तो उसको सुनाई देगा या नहीं देगा, ये आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आंसर ये होगा कि उस पर्सन को सुनाई नहीं देगा। तो फिर अगर दो पर्सन कम्युनिकेट करना चाहता है मून के सरफेस के ऊपर, तो वो दोनों पर्सन एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा? व्हाट इज द प्रॉपर वे टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, मतलब दोनों को एक दूसरे से बात करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना होगा उन्हें? तो आंसर ये है कि उसके पास एक अगर टॉर्च है या कोई ऐसा मीडियम है, मतलब एक ऐसा डिवाइस है जिससे लाइट एमिट होता है, मतलब एमिट होना मतलब निकलना, तो एक ऐसा डिवाइस होगा लाइट एमिटिंग डिवाइस, ठीक है ना, लाइट एमिटिंग डिवाइस एलईडी होता है, ठीक है ना, उसको लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो उससे भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ सकता है कि, तो आपको सिंपली याद रखना कि अगर चंद्रमा पर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको अगर किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना है तो वो आवाज़ देकर तो उसको नहीं बुला सकता है, क्योंकि ध्वनि तरंगे को चलने के लिए वहां पर चल ही नहीं पाएगी ध्वनि तरंगे, ठीक है, क्योंकि उसको मीडियम चाहिए और चंद्रमा पे मीडियम नहीं है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद अब आते हैं, ये आपका लाइट का प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो गया। एक और बहुत ही अच्छा पॉइंट है, उससे भी एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की वेग कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि आपको पूछेगा कि अगर मीडियम चेंज हो रही है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये वैक्यूम में है, ये आपका वैक्यूम में है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो है आपका 300,000 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में लाइट कितना दूर चल सकती है, सॉरी 300,000 किलोमीटर चलेगी, है ना। इसको 10⁸ है तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना हो जाएगा आपका 3 लैक्स किलोमीटर पर सेकंड, 300,000 किलोमीटर पर सेकंड ऐसा हो जाएगा आपको जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो, ठीक है ना, क्योंकि 10⁸ है तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो अगर मीटर है तो मीटर को किलोमीटर बदलेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास है 3 × 10⁸ इतना मीटर है, तो इतना मीटर पर सेकंड है, तो इसको हमें बदलना है किलोमीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, जो मीटर होता है उसको किलोमीटर बदलने के लिए, तो हम 3 × 10⁸ है तो इसको हम 10³ से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 10³ से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 1, 2 और 1, 2, 3, यानी कि 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये जो है आपका, ये आपका बहुत ही अच्छा एक मतलब इससे क्वेश्चन बनता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका पूछेगा फेनोमेनन ऑफ लाइट। तो फेनोमेनन ऑफ लाइट में दो फेनोमेनन बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारे फेनोमेनन हैं, हम बात करेंगे फेनोमेनन ऑफ लाइट। फेनोमेनन को हिंदी में बोलते हैं घटना, फेनोमेनन ऑफ लाइट। फेनोमेनन ऑफ लाइट का मतलब आप ऐसा समझो कि लाइट जो है वो क्या क्या हरकत कर सकती है, ठीक है ना। ये एल है, एल आई जी एच टी, लाइट, ठीक है ना। प्रकाश जो है वो क्या क्या हरकतें कर सकती है, तो इसके कई सारे फेनोमेनन हैं, जैसे रिफ्लेक्शन है, और क्या है, रिफ्रैक्शन है, और क्या है, इंटरफेरेंस है। देखो इंटरफेरेंस कहां आ रहा है, आगे इंटरफेरेंस, और क्या है, डाइफ्रैक्शन है, ये सब फेनोमेनन ऑफ लाइट है, और क्या है, पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन है, ठीक है। तो इतने सारे फेनोमेनन को हमें वन बाय वन स्टडी करना है, ठीक है। इसमें से आप देख सकते हो कि हमारे जो सिलेबस में है वो आपका ये है और ये है,
ये तीनों हमारे सिलेबस में हैं और ये तीनों हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन तीनों से अभी जो मैंने आपको सवाल दिखाया था बिगनिंग में, तो वो जो क्वेश्चन है वो इन दोनों फेनोमेनन से पूछा गया। क्योंकि अब जैसे देखो, एक एक को हम हिंदी में बताते हैं, रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं परावर्तन, हम जानते हैं क्लास 9-10 में पढ़ना था प्रकाश का परावर्तन, और इसको बोलते हैं अपवर्तन, इसको बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है। इंटरफ्रेंस का मतलब होता है दो लाइट का मिलना, यानी कि अगर दो लाइट मिलती है तो उसको हम इंटरफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। डायफ्रेक्शन होता है जब लाइट किसी कॉर्नर से टकराती है, जैसे मान लेते हैं कि मैं आपको कैसे बताऊं, एक मिनट, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, तो यहां से जब रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे अगर आती है और इस कॉर्नर पर टकराने के बाद बहुत सारे डायरेक्शन में लाइट चली जाएगी, तो उस समय मतलब अगर किसी पॉइंट्स पे मान लेते हैं कि ये हमारे पास कॉर्नर है, जैसे घर में वेंटिलेशन होता है फॉर एग्जाम्पल, तो जो वेंटिलेशन होता है वहां पर आप देखते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि वेंटिलेशन से डायरेक्ट सनलाइट अंदर नहीं आती है, लेकिन अंदर जो है रोशनी रहती है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है, उसका कुछ शेडो टाइप का आता है। तो यहां पर जब रे ऑफ लाइट किसी कॉर्नर से टकराती है, तो कॉर्नर से जब टकराती है तो कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम एक एक बार मतलब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बस आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। तो आज मैं हम उसके बाद पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि पोलराइज्ड होना, का पोलरिटी का मतलब होता है पोलराइज हो जाना, मतलब जो लाइट है उसके ऊपर, मतलब आप ऐसा समझ लो कि जैसे आयनाइज्ड हो जाना, है ना, ध्रुवीकरण हो जाना लाइट का, ठीक है। तो ध्रुवीकरण मतलब कि किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के तरफ वो पोलराइज्ड हो जाएगा, मतलब ध्रुवीकरण हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो ये सारे ये सभी चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो अपवर्तन और परावर्तन पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, प्रकाश का हम पढ़ते हैं परावर्तन, परावर्तन किसे कहते हैं ये चीज आप समझ लो। तो एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूं कि अगर अगर रे ऑफ लाइट मान लेते हैं कि ये हमारे पास सॉलिड सरफेस है, दिस इज सपोज सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस, और अगर ये सॉलिड सरफेस है और रे ऑफ लाइट अगर यहां से टकराती है ऐसे, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल पे टकराई है, ठीक है ना, ये नॉर्मल है, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है ना। इंसिडेंट रे को हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, और यहां से रे रिफ्लेक्ट हो गया तो जितनी एंगल पर आएगी उतनी एंगल पर जाएगी। तो एक सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा आपका, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको मैं बता रहा हूं कि इसको कैसे याद रखते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन हमने लिखा, तो रिफ्लेक्शन में क्या है, देखो इसके स्पेलिंग में सिंगल आर है, सिंगल आर है, तो जिसमें सिंगल आर है उसमें सिंगल मीडियम यूज होगा। तो रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन किया गया, अगर रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से आती है और किसी वस्तु पे टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट जाती है तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है, तो ऊपर जैसे ट्यूबलाइट जल रहा है, तो ट्यूबलाइट से जैसे रे ऑफ लाइट यहां पर आई और हम इसको ऐसे देख रहे हैं, तो इस पे टकराने के बाद रे ऑफ लाइट कहां से आई, एयर से आई, और इस पे टकराने के बाद कहां गई, वापस इधर आई, हमारी आंखों में आई और चारों तरफ फैली, ठीक है। तो इस ब्लू कलर को, ठीक है ना, ब्लू कलर को हम जो देख रहे हैं, जो पर्सन इधर खड़ा है वो भी देखेगा, इधर खड़ा है वो भी देखेगा, कोई भी पर्सन इसको किसी भी डायरेक्शन देखेगा तो ये ब्लू कलर ही दिखेगा। यानी कि यहां से जो रे ऑफ लाइट आई इस पे टकराने के बाद हमारी आंखों में पड़ रही है, तो रे ऑफ लाइट कहां से आई थी, तो एयर से आई थी, रे ऑफ लाइट कहां से आई थी, एयर से, और कहां गई, तो एयर में ही गई। तो अगर ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं आर रे, ठीक है ना। तो आई रे को फुल फॉर्म क्या है, आई रे मतलब इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंसिडेंट रे और हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, हिंदी में क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और आर रे का मतलब होता है परावर्तित किरण, ठीक है ना, एक होता है आपतित और एक होता है परावर्तित किरण, ठीक है।
परावर्तित किरण, ठीक है, और एक डॉटेड लाइन है यहां पर हमने एन लिखा है, तो व्हाट इज एन, एन को हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है ना, और नॉर्मल को हिंदी में बोला जाता है अभिलंब, अभिलंब, ठीक है, नॉर्मल को हिंदी में बोला जाता है अभिलंब। तो यहां पर हमें जो लॉ है वो लॉ क्या कहती है, पहला लॉ ये कहती है कि अगर ये थीटा वन है और ये थीटा टू है तो फर्स्ट लॉ कहती है जो थीटा वन है वो थीटा टू के बराबर होगी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन कोण इज इक्वल्स टू परावर्तन कोण। तो यहां पर जो थीटा वन है इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है, और जो थीटा टू है इसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण, इसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण। तो अलग अलग ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये जितने टर्म्स है ना, ये सभी टर्म्स आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में जब टर्म आएगा ऐसे लिख के आएगा, आपतित कोण, परावर्तित कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, ऐसे करके लिख के आएगा। तो मान लेते कोई सेंटेंस आपको दे दिया कि बोलेगा कि ऐसे एक क्वेश्चन मान लेते फ्रेम करते हैं, क्वेश्चन में ऐसा बोला कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सही है, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मान लेते क्वेश्चन हम बना रहे हैं, बोलेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार, प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन सही है, ठीक है, या क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ऑप्शन ए दे देगा आपको, बोलेगा कि थीटा आई इज इक्वल्स टू थीटा आर, ऑप्शन बी दे देगा थीटा आई इज नॉट इक्वल टू थीटा आर, इज नॉट इक्वल टू थीटा आर, ऑप्शन सी दे देगा थीटा आई इज ग्रेटर देन थीटा आर, ठीक है ना, ये एंगल का सिंबल होता है, और डी में दे देगा आपको कि एंगल ऑफ थीटा आई इज लेस देन एंगल ऑफ थीटा आर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो आपको यहां पर जब तक आप नियम नहीं जानोगे तब तक तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, तो इसलिए हमें नियम जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नियम को जानना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि प्रकाश का पहला जो प्रकाश का परिवर्तन का जो नियम होता है, दो नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, दो होते हैं, तो एक नियम हमने अभी डिस्कस किया है और ये दूसरा नियम हम अभी बात करेंगे, ठीक है। दूसरा नियम क्या होता है कि जो आई रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल होता है, ये तीनों आई रे रिफ्रेक्टेड रे एंड सॉरी आई रे रिफ्लेक्टेड रे मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों होते हैं, ये तीनों हैं, तीनों एक समतल पर होते हैं, एक समतल पर होते हैं। अब एक नया टर्म आ गया यहां पर कि सर ये समतल क्या होता है, तो एक टर्म आ जाएगा कि सर समतल क्या होता है, तो समतल का मतलब होता है ऐसा, ऐसा कोई भी प्लेन, ठीक है ना, इसे हम समतल बोलेंगे। अब ये प्लेन ऐसा ही होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये आपका क्षैतिज है, तो हम उदग्र भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, वर्टिकल, वर्टिकल को हिंदी में उदग्र बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये हो गया आपका वर्टिकल सरफेस, ये हो गया आपका वर्टिकल सरफेस, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यहां पर हम प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार हम ये सब चीजें हम देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें और ज्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि अब उतना ज्यादा डिटेल है, वैसे तो बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये मेंशन उसमें नहीं, सिलेबस में ये लिखा हुआ नहीं था, बट ये बेसिक इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछेगा, आप देख लीजिएगा 100% पूछेगा क्वेश्चन। अब हम आगे बात करते हैं
रिफ्रैक्शन की, ठीक है ना। तो टाइम का भी हमें ख्याल रखना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम पूरा टाइम एक ही लेक्चर में निकाल दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिलेबस का भी हमें ध्यान रखना है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसको हिंदी में बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा कि जो रिफ्लेक्शन होता था, जो परावर्तन होता था, उसमें लाइट जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में चली गई। लेकिन आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो रिफ्रैक्शन के स्पेलिंग में दो आर है, एक आर यहां पर है और एक आर यहां पर है, तो इसमें आर कितना है, दो, तो मीडियम भी कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज देखो, ये आपको किसी नोटबुक में या किसी बुक में नहीं मिलेगा ऐसे कि आर दो है तो मीडियम भी दो, ऐसा लिखा हुआ नहीं है किसी बुक में। ये हमने एक ट्रिक निकाला है कि हम कैसे याद रखेंगे इसको। तो जिसके स्पेलिंग में दो आर, तो उसमें क्या होगा, लाइट मीडियम वन से आकर मीडियम टू में जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो इस घटना को बोलेंगे अपवर्तन, और अगर लाइट मीडियम वन से आती है और वापस मीडियम वन में ही चली जाती है तो इसे हम बोलते हैं परावर्तन, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ओके। तो यहां पर अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करूंगा क्योंकि ये वाला मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है ना, इसमें डिलीट कर देता हूं क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है ये चीज को समझें, ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है इस चीज को समझें, रिफ्रैक्शन में होता है अपवर्तन, और अपवर्तन कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक वाटर का सरफेस है, ठीक है, वाटर का सरफेस है, तो इससे कई सारा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे हमारे पास घरों में आपका शीशे का ग्लास होता है, या जब हम किसी मेला में जाते हैं तो मेला में जाते हैं तो वहां पर एक बकेट होता है, बाल्टी होता है, और बाल्टी के अंदर एक छोटा सा डब्बा होता है, और एक प्लेयर होता है, मतलब वो प्ले खिलाने वाला एक पर्सन होता है, वो हमें बोलता है कि अगर ये सिक्का है, क्वाइन है, तो क्वाइन को अगर आप इसमें डाल दिए, पानी में डालना है, मतलब सिचुएशन ऐसा है, बकेट है, बाल्टी है, बाल्टी के पूरा पानी से भर दिया, बाल्टी के अंदर एक छोटा सा डब्बा है गुल का, है ना, जो गुल जिससे हम ब्रश करते हैं वो गुल वाला डब्बा, वो छोटा सा डब्बा है टीन का। अब क्वाइन को हमें ऊपर से उसमें डालना है, ये गेम बहुत चलता है, ठीक है। तो वहां पर हम आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि एग्जैक्टली हम कहां पर डाल रहे हैं, तो ये एक एग्जांपल हो गया। आप उसके बाद आप क्या करिए, ये जो जैसे शीशा का ग्लास है मेरे पास, ठीक है ना, तो आप इस ग्लास को आप ऐसा शीशा का दो ग्लास लीजिए इसमें, और एक ग्लास में आप पानी भर दीजिए थोड़ा सा, और दूसरे ग्लास में वैकेंट रखिए, और ये हमारे पास क्वाइन रहेगा, तो जब क्वाइन रहेगा एक क्वाइन को इसमें डाल दीजिए, ऐसे हमने डाल दिया क्वाइन को, ठीक है। और इस क्वाइन को अभी जब हम यहां से देखेंगे ऐसे ऊपर से, तो क्वाइन हमको ओरिजिनल पोजीशन में दिखेगा, लेकिन अगर हम इसमें पानी भर देंगे, अगर हम इसमें पानी भर देंगे तो पानी भरने के बाद वो क्वाइन जो है थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे ये हमारे पास पेन है, तो इसमें हम पानी भर देंगे और पेन को डालेंगे, तो ट्रांसपेरेंट है ग्लास, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, तो ये ट्रांसपेरेंट है, दिखेगा दिखेगा, तो हम अगर इसमें डालेंगे ना पानी, पानी के अंदर डालेंगे, तो जो हिस्सा पेंसिल का या पेन का पानी के अंदर होगा वो हिस्सा हमें टेढ़ा दिखेगा, वो हिस्सा हमें टेढ़ा दिखेगा, आई बात समझ। तो जो रिफ्लेक्शन, सॉरी, जो रिफ्रैक्शन होती है, तो रिफ्रैक्शन में कैसे होती है, ये यहां से ऐसे मान लीजिए कि नॉर्मल है, तो रे ऑफ लाइट मान लेते हैं कि ऐसे आई, ऐसे मान लेते हैं रे ऑफ लाइट आई, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट आई, तो आने का हम मान लिए कि इसका जो एंगल है वो आई है, और इस रे ऑफ लाइट को ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये जो पानी है ना इसका पाथ को डिस्टर्ब करेगा, और रे ऑफ लाइट ऐसे नहीं जाकर ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, देख लीजिए। तो अब इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना वो हम आर मान रहे हैं, तो इस केस में देखिए, इस केस में जो एंगल आई है
वो एंगल आर के बराबर नहीं है, और यही पहला लॉ है, ठीक है, क्योंकि आर जो है वो पूरा एंगल है। अगर आप देखेंगे आर सर एक्चुअली में ये बराबर कब होता है, अगर आर की वैल्यू इतनी होती, अगर यहां से लेकर यहां होता पूरा, तो ये हो जाता आर, लेकिन उतना तो है नहीं। तो अगर उतना नहीं है तो आर का वैल्यू कितना है, अभी आर का वैल्यू तो इतना है यहां से लेकर यहां तक बस। तो इस केस में आर इज नॉट इक्वल टू आई, यानी कि जो आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण के बराबर नहीं है। यहां पर इसको हम परावर्तन कोण नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको याद रहे, एंगल आई का मतलब है आपतन कोण, आपतन कोण, और एंगल आर का मतलब है परावर्तन कोण, सॉरी नॉट परावर्तन, ये हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण, क्योंकि घटना अपवर्तन है तो अपवर्तन कोण होगा, जैसी घटना वैसा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण। तो पहला लॉ कहती है कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर नहीं होगी, और दूसरा लॉ क्या कहती है, दूसरा लॉ तो सेम ही है, दूसरा लॉ ये है कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है ना, ये तीनों तीनों कैसे हैं, एक समतल में होगी, एक समतल पर होगी, ठीक है। अब इसमें एक और भी लॉ आता है जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो बताएंगे आपको स्नेल्स लॉ बताएंगे, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो एक्चुअल में स्नेल्स लॉ कैसे आया है इस चीज को समझें, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ को हिंदी में स्नेल का नियम ही कहते हैं, और स्नेल्स लॉ से क्या पता चलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता चलता है कि जो म्यू होती है ना मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो होती है साइन ऑफ एंगल आई और डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल आर। तो इस फॉर्मूला को ही हम स्नेल का नियम कहते हैं, इस फॉर्मूला को ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा ध्यान से कि जो स्नेल का नियम है, यहां पर जो स्नेल का नियम है वो कैसे है कि एंगल आई साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल आर, दिस इज इक्वल्स टू स्नेल्स लॉ म्यू, ठीक है। तो इसको आपको बुक में ना कई अलग अलग तरीके से भी लिखा रहता है, ठीक है। स्नेल का नियम को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यह, म्यू वन साइन थीटा वन बराबर म्यू टू साइन थीटा टू, अगर हम ऐसे याद रखेंगे तो बहुत आसानी से याद रहेगा, ठीक है। तो यहां पर हो गया साइन म्यू वन के जगह पर म्यू वन ले लीजिए और थीटा वन के जगह पर आई ले लीजिए और म्यू टू के जगह पर म्यू ले लीजिए और थीटा टू के जगह पर आर ले लीजिए। तो यहां पर देखिए साइन आई और बाई साइन आर, ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला निकल गया यहां से म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है। तो ये आपको कई बार ना पूछता है एग्जाम में कि आपको ऐसे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर स्नेल्स लॉ। तो आप तो स्नेल्स लॉ अगर ये रट के जाएंगे, मान लेते हैं किसी स्टूडेंट ने इस फॉर्मूले को याद कर लिया, ठीक है, किसको, इस वाले फॉर्मूले को, लेकिन ऑप्शन में ये दिखा ही नहीं, ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, तब आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो आप कैसे याद रखोगे, तो इसको आप ऐसे याद रखना कि जो साइन आई और बाई साइन आर होती है, तो आई पहला वाला एंगल था, है ना, यहां पर ऐसा भी रह सकता है साइन थीटा वन बाई साइन थीटा टू, ये भी रह सकता है। तो जब इधर थीटा वन है तो इधर कितना है म्यू टू है और इधर कितना है म्यू वन है, और इसी को क्या बोल रहे हैं म्यू। तो हमें इस फॉर्मूले को हमें पूरे अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है, इस फॉर्मूले को हमें अच्छे से याद रखना है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ये जो हमारे ये सब जो निकल कर आया है हमारे सामने, इन सभी को हम अच्छे से कंसाइज करके बढ़िया से याद करके रखें,
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो जैसे आपका इमेज फॉर्मेशन पे सवाल पूछता है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि एक्चुअली में जो ये सब जो होता है ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये कहाँ पर होता है, किसके साथ होता है। तो इसके लिए हम एक चीज आपने पढ़ा होगा, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण नेक्स्ट आपका ये है। तो गोलीय दर्पण में इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो बेसिकली जो स्फेरिकल मिरर होती है वो होती है तीन प्रकार की, ठीक है ना। कौन कौन से मिरर होते हैं? एक होता है प्लेन मिरर, मतलब समतल दर्पण, प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। दूसरा होता है आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और तीसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो एक तो समतल होता है और इन दोनों में एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो जो कॉनकेव होता है इसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण, इसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। इसमें थोड़ा सा आप हिंदी नाम में देख लीजिएगा कि कुछ हमसे गलती तो नहीं हुआ, क्योंकि हमें लग रहा है कि कनकेव और कन्वेक्स दोनों इंटरचेंज तो नहीं है, मतलब कनकेव को, हालांकि आई डैम श्योर कि गलती नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप इसको एक क्रॉस वेरीफाई कर लेना। क्या क्रॉस वेरीफाई करना है? कि जो कन्वेक्स मिरर है उसको उत्तल दर्पण ही तो कहते हैं, ये आप देख लेना। तो ये आप इंटरनेट पे या कहीं से छोटा सा एक मिनट का चीज है वो आप सर्च कर लोगे तो आ जाएगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि तीनों मिरर किस किस टाइप का होता है, ठीक है ना। तो जो समतल दर्पण होती है वो या तो इस प्रकार का होगा, ठीक है। पहली बात तो कि दर्पण क्या होता है? दर्पण कोई भी ऐसा चीज जिसमें हम देख सकते हैं, ठीक है, उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण का मतलब ही होता है कि जिसमें हम देख सकते हैं। तो समतल दर्पण ऐसा भी हो सकता है, ये टेढ़ा भी हो सकता है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा सीधा, ऐसा ये भी हो सकता है, ये सब समतल दर्पण है। कनकेव मिरर जो होता है यानी कि अवतल दर्पण, वो या तो इस शेप का होगा, थोड़ा अच्छे से बनाता हूं, वो या तो इस शेप का होगा ऐसे, या फिर इस शेप का होगा, ठीक है ना। ऐसा मिरर जो बाहर से पॉलिश्ड हो। अब देखिए बाहर का और अंदर का क्या मतलब हो गया, क्योंकि इसको अगर आप कंप्लीट करोगे तो ये ऐसे सर्किल बनेगा। तो इस सर्किल का बाहरी हिस्सा ये वाला है, तो बाहरी हिस्सा क्या है, पॉलिशिंग किया हुआ है। तो अगर मिरर का बाहर का हिस्सा पॉलिशिंग है तो उसे हम बोलते हैं कनकेव मिरर, और अगर मिरर का अंदर का हिस्सा पॉलिशिंग है तो उसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, मिरर ऐसा रहेगा और पॉलिशिंग अंदर से रहेगा, ठीक है। तो इस पे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इस पे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं इन तीनों मिरर पे। तो सवाल बेसिकली किस प्रकार का पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसका डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू।